हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम सिंह और आपका स्वागत है पूनम्स किचन में। आज मैं आम के छोटे टिकोरों की चटनी बनाने जा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। टिकोरे को हमने छील लिया है, उसके बाद काट के धो के अच्छी तरह से हम जार में भर देंगे पीसने के लिए। हमारा भारत देश आमों का देश है, इसलिए यहाँ आम आसानी से मिल जाता है। हर घर में आम ज़रूर मिलता है। अब हम मिर्च को तोड़ लेंगे। यह मिर्च बहुत तीखी है, जो कि घर में ही अवेलेबल है। हम स्वाद अनुसार मिर्च का प्रयोग करेंगे, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अब हम इसमें हरे पुदीने डाल देंगे, जो कि बहुत ही स्वाद को बढ़ा देते हैं और पेट में ताजगी भी बनाए रखते हैं पुदीना, इसलिए पुदीना को डाल देंगे। अब हम गुड़ डाल देंगे, आप इसमें चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम मिक्सर में इसको पीस लेंगे। अगर आप थोड़ा गीली चटनी चाहते हैं थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। देख सकते हैं ऐसा हो गया है। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे छील के, और हम एक मेन चीज़ है इसमें शहद डाल देंगे। शहद डालने से स्वाद बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप अगर हो सके तो शहद का प्रयोग चटनी में ज़रूर करें, शहद अच्छा लगता है। अब हम इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, जो कि स्वाद तो बढ़ाता ही है, गले की खराश। हमारी चटनी जो है बनके तैयार हो गई है, देख सकते हैं हमारी चटनी बहुत सुंदर बनके तैयार हुई है। अब आप इस को दाल चावल रोटी सब्जी किसी भी अच्छे पकवान के साथ खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। इसको आप लोग ज़रूर बनाइए। अब हम मिट्टी के बर्तन के जार में इसको डाल के रख देंगे फ्रिज में, 6-7 दिन तक इसको अच्छी तरह से आप खा सकते हैं। अब हम चटनी को इसमें डाल देंगे, उसके बाद एक छोटे से बर्तन से इसको ढक दें और फ्रिज में अच्छी तरह से रख दें। सुरक्षित आपकी चटनी जितने दिन चाहें 4-6 दिन तक अच्छे से रखी रहेगी, आप इसको प्रतिदिन सर्व करते रहें। फ्रेंड्स, ये चटनी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारी अगली जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आप हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं, इसलिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आप ऐसे ही हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।